मैं इस वक्त रामपुर नवाब पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हाजी लोग जो है उमरे के लिए रवाना हो रहे हैं और इसी जो है बस से आपको बता दें लब्बैक टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स समय समय पे हाजियों के लिए जो है अच्छी सुविधाएं और बेहतर जो है पैकेज में जो है इनको उमरा कराने के लिए रवाना करता है। मेरे साथ सीधे ही लब्बैक टूरिस्ट के डायरेक्टर है बाबू अली जी, मैं उनसे पूछता हूँ सर कितने लोग रवाना हो रहे हैं और क्या मैसेज है? आज टोटल मेरा 50 लोगों का ग्रुप है, 25 हमारे रामपुर से हो रहे हैं, बाकी अदर जगह जगह से एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। ये सऊदी एयरलाइंस का हमारा ग्रुप है 20 दिन, और कोशिश यही रहती है आप लोगों की दुआ से, तमाम जिले वासियों की दुआओं से कि कम अखराजात में ज्यादा ज्यादा लोगों को इस मुबारक सफर के लिए तैयार किया जाए और भेजा जाए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जैसे हिंदुस्तान के और सऊदी अरब के जो संबंध है वो बहुत बेहतर हो गए हैं, तो लगता है आपको रवानगी यहाँ से ज्यादा ज्यादा होगी? जी बिल्कुल, आपने पिछली बार देखा होगा आपसे 10-12 दिन पहले हमारी जो अल्पसंख्यक विभाग की जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मोहतरमा जनाब स्मृति ईरानी जी, वो जद्दा गई थी और हमारे आपस में भारत और सऊदी अरब के बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हुए हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही नफा बख्श होने वाले हैं। क्योंकि देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की कोशिश ही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे भारत से सऊदी अरब का सफ़र कराया जाए और उनको हज के लिए भेजा जाए। अभी इस साल भी हमारा लगभग 2 लाख लोगों का जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक जत्था इंडिया से हज करने के लिए रवाना हो रहा है, तो आपस में एक एग्रीमेंट तय हुआ है और आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, बहुत अच्छे बेहतर उसके नतीजे आने वाले हैं। क्या क्या पैकेज हैं आपके लोगों के? अभी हमारे पास ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड जो फार्मर किसान वगैरह है इनको कम पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। अभी मेरा पैकेज 85,000 का सऊदी एयरलाइंस 20 दिन का चल रहा है, आगे मैंने जो 14 फरवरी में बड़ा ग्रुप बनाया है वो 82,000 रुपये का 20 दिन है। कुछ रेट अगर मुझे सऊदी एयरलाइंस से या होटल्स में कम मिल जाते हैं, क्योंकि होटल के और सऊदी एयरलाइंस के रेट ऐसे होते हैं ना साल में ऊँचे नीचे होते रहते हैं, जैसे रमज़ान में ऊपर हो गए, फिर कभी 12 रबी अव्वल के मौके पर ये लोग बढ़ा देते हैं रेट, फिर विंटर वेकेशन चलता है इस मौके पर बढ़ा देते हैं, उनको मालूम है सारे एयरलाइंस पर जो बैठे हुए हैं हमसे ज़्यादा माइंडेड लोग बैठे हुए हैं और बिजनेसमैन बैठे हुए हैं कि कब कब कहाँ कहाँ से कितनी गैदरिंग कब प्रोग्रेस कर रही है और कब लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ऊँचे नीचे होते हैं। अभी 14 फरवरी 82,000 रुपये का बनाया है 20 दिन का। लब्बैक टूरिस्ट की तरफ से जो है उद्योग व्यापार मंडल के जो है हमारे साथ इस समय महफूज साहब हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में इनका जो है उन्होंने जो है स्वागत भी किया है और गिफ्ट वगैरह जो है आपको हदिया किए हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका, आज इस प्रोग्राम को देख के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई बहुत खुशी की बात है अफाम भाई कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का ग्रुप पूरा बाबू भाई की टूर एंड सर्विस पर आया है और सभी को भेज रहा है सऊदी अरब, लेकिन इनकी सर्विस बहुत अच्छी है बाबू भाई की, यहाँ से लेकर सऊदी अरब तक बहुत अच्छी सर्विस है। किसी हाजी को और किसी भी उम्रा वाले को कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप भी? पदाधिकारी मैं भी उद्योग व्यापार मंडल का पदाधिकारी हूँ, जितने भी लोग उम्रा को जा रहे हैं अल्लाह इनका उम्रा कबूल करे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको इसका सवाब। आप बताइए क्या सवाब दिया? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आज लोग उम्रा को नहीं जा रहे हैं, रवाना हुए हैं, अल्लाह ताला इनके उम्रे को कबूल फरमा, और बाबू भाई जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में कामयाबी इनको हासिल होगी इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाबू भाई से जुड़ें और बाबू भाई से एक बार खिदमत का मौका जरूर। आप बताओ क्या कहोगे, कैसी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है साहब, बाबू भाई भेज रहे हैं हमें और बहुत सहूलियत है हमें, बस भेज रहे हैं हमें, दिल्ली से पहुँचाएंगे, दिल्ली से लेके भी आएंगे हमें, बहुत अच्छी बात है, सुविधाएं मिल रही है। हाँ बहुत मिल रही है। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? इधर देखो उमरा करने भाई पहले, अच्छा, बता देना। हाँ। पहले भी गए थे आप? हाँ पहले भी गया था। कोई फैसिलिटी में कोई दिक्कत आती है कभी? कुछ नहीं आई, कोई कमी किसी तरीके की कमी नहीं आई, सारी जरूरतें पूरी मिलती है। वहाँ पर आप लोगों का मतलब देखभाल के लिए कोई होता है क्या? सब बाबू भाई जाते हैं हमारे साथ, उनकी टीम होती है, उनकी टीम होती है। अच्छा बराबर, बढ़िया से लगता है आपको? बढ़िया, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। तो ये वैसे तो कहते हैं ये इबादत हमारी बहुत अच्छी है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? पहली बार जा रहे हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में, अब वैसे बताते हैं बाबू भाई का बहुत अच्छा काम है साहब। तो कुल मिला के अच्छी बात है कि यहाँ के जो हाजी हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि सब लोग खुश इस बात से हैं क्योंकि इनकी फैसिलिटी जो है लगातार लोगों के लिए अच्छी है और लगा कोई किसी तरीके की समस्या नहीं आती। कम जो है बजट में ये लोग यहाँ से रवाना होते हैं, हालांकि सऊदी तक बाबू अली की जो है निगरानी रहती है इन हाजियों के लिए, कमी इनको कोई दिक्कत ना आए, कोई फैसिलिटी में कमी मिला। फिलहाल ये जो इनका सफर है वो लगातार जारी है, जनवरी फरवरी इससे पहले भी कई सारी जो है टूरिस्ट बसें इनकी जो गई हैं, इनकी बस लेकर भी आती है और छोड़कर भी जाती है। तो कुल मिला के अच्छा पैकेज इनकी तरफ से दिया जाता है, खुशी लोग जाहिर करते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में जाकर इबादत करी जाए, मदीने के दीदार करी जाए। तो कुल मिला के हाजी जो है खुश हैं और अपनी जो है इबादत वहां जाकर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।